अब हम इस वीडियो में देखेंगे फेलियर्स ऑफ प्लानिंग ओके अभी तक हमने डिस्कस किया था प्लानिंग के अचीवमेंट तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमने अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे हमने क्या पाया था अचीवमेंट पाया था ओके सो हेयर इंक्रीज ऑफ इन नेशनल इनकम हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या हुई थी इंक्रीज़ हुई थी रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसमें भी हमारा क्या था? हुआ था इंक्रीज़ हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें भी इंक्रीज़ हुआ था एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो था वो बढ़ गया था पावर और ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी इंक्रीज़ हुआ था एजुकेशन और हेल्थ केयर इसमें भी इंक्रीज़ हुआ था बैंकिंग सेक्टर इसमें भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था ठीक है अब हम देखेंगे कि हमारे जो फेलियर्स थे वो फेलियर्स किस में हुए कैसे फेल हुए सो so,

फेलियर्स कहाँ पे आ रहे थे ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट फेलियर क्या था अनेबल टू इरेडिकेट पावर्टी अब यहाँ पे हम पावर्टी को रिमूव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए ठीक है इतनी सारी हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की सिक्सटी टू ईयर्स का यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग चलता रहा बट यहाँ पे हमने इस बीच में पावर्टी को रिमूव नहीं कर पाए ओके इवन आफ्टर सो मैनी ईयर ऑफ प्लानिंग अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कंटिन्यूस टू लिव बिलो द पावर्टी लाइन इवन टुडे अब यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स परसेंट की जो पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की वो क्या कर रही थी बी पी एल में आ रही थी बिलो पावर्टी लाइन मतलब पावर्टी लाइन से भी नीचे आ रही थी ठीक है मतलब ट्वेंटी सिक्स परसेंट लोग जो हैं वो पावर्टी से भी नीचे वाले लोग थे ओके इंक्रीज़ इन इनइवेलिटीज़ ऑफ इनकम इवन आफ्टर शोशल जस्टिस बींग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एवरी प्लान इनक्वैलिटीज़ इन इनकम कंटिन्यू टू इंक्रीज़ इन द कंट्री अब यहाँ पर शोशल जस्टिस के बावजूद भी यहाँ पर जो थी क्या थी यहाँ पर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सभी के लिए बराबर से बनाया था ठीक है वेदर वो हाई सोसाइटी के लोग हों या मिडल क्लास लोग हों या फिर लो क्लास के लोग हों या फिर रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो यहाँ पे सारे सेक्टर्स के लोगों के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया गया था इसके बावजूद भी यहाँ पे जो इनकम है इनकम में क्या हो रही थी इनक्वालिटीज़ आ रही थी यहाँ पर कैपिटल इनकम जो है वो इक्वल नहीं हो पा रहा था ठीक है नाउ इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट अब यहाँ पे बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हो रही थी बेरोज़गारी भी बढ़ते जा रही थी ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट विच हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री डिड नॉट डिक्लाइन रेदर इट इंक्रीज फर्दर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड के समय में क्या था अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा था हमारे कंट्री में ये घटने की बजाय डिक्लाइन होने की बजाय ये क्या हो रहा था इंक्रीज़ होते जा रहा था अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते जा रहा था ओके okay? मतलब बेरोजगारी क्या हो रही थी बेरोजगारी बढ़ते जा रही थी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वॉ सेवन पॉइंट सिक्स लाख इन द ईयर अब यहाँ पे देखेंगे नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स ईयर में रजिस्टर्ड जो अनएम्प्लॉयड हैं मतलब यहाँ बेरोजगार जो लोग हैं वो कितने परसेंट थे सेवन पॉइंट सिक्स लाख थे ओके सेवन पॉइंट सिक्स लाख थे जो बढ़ करके कितना हो गए थे थर्टी एट पॉइंट फाइव लाख हो गए थे दैट मीन्स यहाँ पे अनएप्लॉयमेंट इतना ज़्यादा राइज हुआ था यहाँ पे ठीक है ये कब था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में सेवन पॉइंट सिक्स लाख थे ओके okay? वहीं हम देखें टू थाउजेंड नाइन में तो टू थाउजेंड नाइन में थर्टी एट पॉइंट फाइव लाख यहाँ पे क्या थे अनएम्प्लॉयड पर्सन थे इन द ईयर 2015-16 फ़िफ्टीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 6.8% परसेंट अब यहाँ पे 1915 से 16 सेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया 6.8% परसेंट और बढ़ गया ठीक है अब यहाँ पे 2009 में 38.5 लाख थे अब अगर आप इसका देखोगे 6.8% परसेंट तो ये क्या हो जाएगा इतना और ज़्यादा राइज हो गया अनएम्प्लॉयमेंट इतनी परसेंट और बढ़ गई ओके नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी प्रॉब्लम हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब यहाँ पे हम क्या देखेंगे हमारी इकोनॉमी को क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए ठीक है ना ही इन्फ्लेशन और डिफ्ल सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हम समझेंगे ठीक है इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो रहा है घट रहा है तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी ठीक है वहीं पे अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है और इंपोर्ट जो है वो घट रहा है तो यहाँ पे भी जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा तो क्या होना चाहिए दोनों के बीच में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए ठीक है तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ये दोनों चीज़ें क्या होती है इम्पोर्टेंट होती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस होना चाहिए ओके okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जिस्टेड कंटीन्यूअसली यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम कंटिन्यूसली क्या कर रहा था एग्जिस्ट कर रहा था द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन पेट्रोल एंड कैपिटल गुड इन ह्यूज क्वान्टिटी अब इसका मेन कारण क्या था कि ये जो फूड ग्रेन्स है फूड ग्रेन्स मतलब अनाज पेट्रोल और कैपिटल गुड्स इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ रहा था ह्यूज क्वांटिटी में इम्पोर्ट करना पड़ रहा था इम्पोर्ट मीन्स हमें दूसरे कंट्री से ये चीज़ें लानी पड़ रही थी अपनी कंट्री में ठीक है एंड नो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट हम चीज़ों को बाहरी देशों से ख़रीद रहे थे लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है हम अपने कंट्री से चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था ठीक है अगर हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंट्री का कैपिटल कैसे इंक्रीज़ होगा ओके हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसी होगी हमारी कंट्री अर्निंग कैसे करेगी तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में आप देखेंगे यहाँ पे इवन आफ्टर मेकिंग मैनी एफर्ट टू चेक चेक इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द प्लाइन पीरियड द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एवल टू अचीव सक्सेस इन दिस डायरेक्शन अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन के मामले में यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी ठीक है वो क्या कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल ऑफ नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर द होल सेल प्राइज इंडेक्स ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी वन स्टूड एट सिक्स पॉइंट एट विच इंक्रीज टू वन थ्री पॉइंट टू इन द ईयर टू सिक्सटीन अब होल सेल प्राइज इंडेक्स जो है वो नाइनटीन फिफ्टी फ़िफ्टी वन से सिक्स पॉइंट एट परसेंट इंक्रीज़ होकर के वो कितना परसेंट हो गया वन एट वन हंड्रेड एट्टी थ्री पॉइंट टू परसेंट सिर्फ इतना परसेंट ही इंक्रीज हुआ ठीक है तो आप देख सकते हैं कि 1950 में कितना परसेंट था और 1960-70 में कितना परसेंट था होल सेल प्राइस इंटेक्स ओके तो इन्फ्लेशन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में क्या होता है मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन ओके नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्रीज इन रीजनल इन इक्वालिटीज रीजनल इक्वालिटीज हैव इंक्रीज ट्रोमेंडियसली ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इन इंडिया ऑन वन हैंड स्टेट्स सच महाराष्ट्र तमिलनाडु वेस्ट बंगाल पंजाब एंड हरियाणा एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइल ऑन द अदर हैंड इस्टेट सच एस ओडिशा बिहार मध्य प्रदेश एक्सेट्रा हैड रिमेन बैकवर्ड अब यहाँ पे देखेंगे रीजनल इनिक्वेलिटीज़ मतलब यहाँ पे देखें तो कुछ ही इलाकों का यहाँ पे क्या हो रहा था डेवलपमेंट हो पा रहा था ठीक है यहाँ पे महाराष्ट्र तमिलनाडु वेस्ट बंगाल पंजाब हरियाणा इनका रैपिड ग्रोथ हो रहा था बहुत अधिक मात्रा में इनका ग्रोथ हो रहा था किस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन रिवॉल्यूशन के वजह से हरित क्रांति आपने नाम सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन का तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से इनका डेवलपमेंट हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से भी इन प्लेस का क्या हो रहा था ग्रोथ हो रहा था लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर हम देखें तो उड़ीसा बिहार और मध्य प्रदेश ये बैकवर्ड में ही आ रहे थे ठीक है ये जो स्टेट थी ये बैकवर्ड स्टेट में ही आ रही थी अभी भी ओके नेक्स्ट आप देखेंगे डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड अब हम क्या कर रहे थे फॉरेन के चीज़ों पर ही हम डिपेंड हो रहे थे ठीक है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड इज़ अ फेलियर ऑफ इंडियन प्लानिंग बर्डन ऑफ़ फॉरेन डेप्ट एंड इंटरेस्ट इज़ कंटीन्यूसली इंक्रीजिंग इन द कंट्री अब यहाँ पे क्या था हमारे कंट्री का जो कर्ज था वो बढ़ गया था ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज़ पर ही डिपेंड हो रहे थे ओके तो यहाँ पे डेप्ट भी बढ़ गया इंटरेस्ट भी बढ़ गया ओके द कंट्री इज़ कंटीन्यूअसली गेटिंग फर्दर ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ इनडेप्टस और जल्दी ही हमारी कंट्री क्या हो गई उस इनडेप्टस के जाल में फंस गई ठीक है मतलब वो क्या कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो क्या उसने क्या किया था अदर कंट्री से शायद उसने लोन लिया होगा है ना उधार लिए होंगे तो उसको चुकाने में ये सफल नहीं हो पाया देयर फोर इन कंक्लूजिव फॉर्म इट कैन बी सेट दैट ऑन वन हैंड डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पावर एजुकेशन ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इन द कंट्री एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव रिमेन अनसक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन इक्वालिटी एक्सेट्रा अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंक्लूज़न क्या निकला कि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पावर एजुकेशन इन सब मामलों में क्या कर रही थी डेवलप कर रही थी ओके okay? लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी जो कंट्री है वो अनएम्प्लॉयमेंट पावर्टी और इनक्वालिटीज़ के माले मामले में क्या थी अनसक्सेसफुल थी ठीक है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ नहीं रहा था पावर्टी गरीबी जो है वो कम नहीं हो रही थी इनक्वेलिटीज़ जो है वो कम नहीं हो रही थी ओके okay? तो इन सभी चीज़ों में हम क्या हो गए थे फेलियर हो गए थे नेक्स्ट हम देखेंगे रीज़न फॉर फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया अब भारत कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग में फ़ेल हो गए ठीक है तो देखते हैं हमारे जितने भी फेलियर्स थे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हम कौन कौन से मामले में यहाँ पे हम फेलियर्स थे ठीक है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर रीज़न क्या था हमारे फेलियर होने का इन द इंडियन कंट्री देयर हैव बीन मैनी फेलियर्स इन इकोनॉमिक सेक्टर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड फॉलोइंग आर द रीज़न अब यहाँ पर कुछ रीज़न गिवन है आपको first unlimited power of the planning commission even after being an autonomous institution power of the planning commission is unlimited its recommendations related to policies are recognized as its order the central government form commission on that as per its discretion देयर फॉर इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन द प्लानिंग कमीशन हैड बिन वर्किंग एज अ पर्पेट इन देंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन था उसके पास क्या थी अनलिमिटेड पावर थी ठीक है यहाँ पर प्लानिंग कमीशन क्या थी अनलिमिटेड थी उसकी जो पावर थी वो क्या थी अनलिमिटेड पावर थी द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कमीशन अब ये जो कमीशन था वो किसने फॉर्म किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था ऑन देट एज पर इट्स डिस्क्रिएशन दे आर फॉर इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन वर्किंग एज अ पर्पेट अब ये जो प्लानिंग कमीशन था वो एज अ पर्पेट काम कर रहा था कठपुतली की तरह काम कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द कमीशन द वर्किंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज़ ओनली टू फॉर्म प्लान नॉट इम्प्लीमेंट दैम अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि प्लानिंग को फॉर्म करना प्लानिंग को बनाना ठीक है उसे इम्प्लीमेंट करना उसका काम नहीं था इम्प्लीमेंट करना किसी और का काम था गिविन द प्लान अ फाइनल फॉर्म इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो प्लानिंग प्लानिंग कमीशन था है ना हमारी कंट्री का जो प्लानिंग कमीशन था वो किसके अंडर में काम कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था कौन प्लानिंग कमीशन ओके तो ये एज अ पपेट काम कर रहा था मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे वही काम किसको करना पड़ रहा था प्लानिंग कमीशन को करना पड़ रहा था तो ये एज अ पपेट कठपुतली की तरह काम कर रहा था तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन इज़ ओनली टू फॉर्म प्लान अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग को फॉर्म करना प्लानिंग बनाना ठीक है इम्प्लीमेंट करना उसे लागू करना किसका काम था सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट करने का काम किसका था सेंट्रल गवर्नमेंट का ओके गिविंग द प्लान ऑफ फाइनल फॉर्म इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दीज हैव ऑलरेडी रिमेन इन द ट्रैप ऑफ रेड टैपिज्म इनफिशियन्सी एंड करप्शन अब ये जो है ये किसके अंडर में आ रहे थे ये रेड टैपज़्म इनएफिशेंसी करप्शन तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि प्लानिंग कमीशन ने तो अपनी प्लानिंग बना दिया लेकिन इम्प्लीमेंट किस को करना है सेंट्रल और इस्टेट गवर्नमेंट को करना है अब हम देखते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है तो वो योजना हम तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है वन परसेंट या फिर जीरो पॉइंट वन परसेंट हो जाता है ठीक है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे तक पहुँचने में जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे या तो उनके बीच में करप्शन का कर रहता है ठीक है या तो वो करप्शन करेंगे हमारे लिए जो भी पैसे आए होंगे इस प्लानिंग के थ्रू है ना तो वो पैसे या तो वो आपस में बांट लेंगे या तो उसका कुछ ही परसेंट हम तक पहुंच पाएगा ये तो उसका आधा परसेंट हम तक पहुंच पाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे रेड टैपज़्म रेड टैपज्म वर्ड यूज़ हुआ है रेड टैपज़्म का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो या फिर कह सकते हैं स्ट्रिक्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की है ना इनफिशियंसी In इनफिशियंसी का मतलब जिनमें उन्होंने ज़्यादा मेहनत ही ना किया हो करप्शन करप्शन का मतलब आप समझते हैं यहाँ पे ठीक है तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या था हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो रही थी फेल हो रही थी अब गवर्नमेंट जो है बजट बना रहा था कि हमें इतने बजट में हमें इतना सारा वर्क कंप्लीट करना है तो अब ये जो बजट के जो अमाउंट थे अब वो ये बजट के अमाउंट अब बीच में क्या होता है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ठीक है तो हम इसलिए हम तक क्या था सिर्फ कुछ ही परसेंट पहुंच पाता है इसलिए जो प्लानिंग है वो क्या हो जाती है फेल हो जाती है ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे discrimination the commission has been adopting the policy of discrimination while providing grant and financial aid to the state therefore allocation of resources in the correct manner have not been possible अब हम देखेंगे यहाँ पे discrimination होता है एक प्रकार का कैसे discrimination जो commission वाले जो होते हैं ठीक है वो एक policy यहाँ पे अपनाते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं कभी कभी कुछ स्टेट्स का ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर देंगे और कुछ स्टेट्स का वो कम डेवलपमेंट देखते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे स्टेट में यहाँ पे वो डिफरेंस कर देते हैं कि हम इस स्टेट का ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे इस स्टेट का कम डेवलपमेंट करेंगे इस स्टेट का थर्ड स्टेट का उससे थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे मतलब हर स्टेट का यहाँ पे इक्वली डेवलपमेंट uh, नहीं हो पाता किसी स्टेट का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और किसी स्टेट का कम डेवलपमेंट होता है और किसी स्टेट का तो ज़ीरो डेवलपमेंट हो पाता है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो जो फाइनेंशियल एड है जो भी फाइनेंस होता है मतलब कितना कहाँ पे खर्च करना है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है देयर फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस इन द करेक्ट मैनर है बीन नॉट पॉसिबल इसलिए यहाँ पर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते ठीक है कि हमें साधनों का कैसे उपयोग करना है और कहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च करना है कहाँ पर हमें कम खर्च करना है इसका हम प्रॉपरली अंदाज़ा नहीं लगा पाते ठीक है नेक्स्ट फॉल्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अब प्लानिंग की प्रोसेस में क्या गलतियाँ हो रही यहाँ पे अब ज़रूरी तो नहीं कि सारी प्रॉ प्लानिंग से सबका बेनिफिट हो यहाँ पे किसी का लॉस भी होगा है ना कुछ गलतियाँ भी होंगी तो हम देखेंगे देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट गैप इन द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स ड्यू टू दिस प्लान हैव फेल्स अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ सेंट्रलाइजेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस इन आवर कंट्री विच इज़ रॉन्ग प्लानिंग शुड नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप अब यहाँ पे हम देख क्या देखेंगे कि प्लानिंग जो है वो क्या किया जाता है टॉप से बॉटम टॉप से बॉटम किया जाता है ना मतलब ऊपर से नीचे तक की प्लानिंग की जाती है लेकिन हमें करना क्या चाहिए हमें बॉटम टू टॉप देखना चाहिए हमें नीचे से ऊपर तक देखना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से प्लानिंग होती होगी टॉप टू बॉटम यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है यहाँ पे प्लानिंग करने में क्या होता है सेंट्रलाइजेशन होता है ओके तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये आप आगे डिस, आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे प्लानिंग में क्या होती है सेंट्रलाइजेशन होती है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे प्लानिंग एक के ऊपर डिपेंड होती है कोई एक पर्सन है जो इसको प्लानिंग करता है जिसे सभी को क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी अब यहाँ पे ब्लैक मनी की भी प्रॉब्लम आ रही है काले धन की प्रॉब्लम आ रही है रेदर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द कंट्री देयर मनी हैव बीन स्पेंट ऑन लग्जरियस इंस्टीट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओके यहाँ पे आप देखेंगे कि मनी जो है पैसे जो है वो लग्ज़रीज़ में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं ठीक है लग्जरीज़ मतलब वो उन चीज़ों में जो उन्हें आराम दे है ना वो उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जिससे उनकी कैपिटल अर्निंग हो तो वो अपने लग्ज़रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या हो रही थी फेल हो रही थी ठीक है तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन